फॉर माई न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा छठा ब्लॉग है और आज मैं जा रहा हूँ अपना बाइक का पोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बाइक का पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। तो मेरा SMS आया था फ़ोन में कि एक्चुअली मैं पापा का फ़ोन में SMS आया था कि आपका पोल्यूशन ख़त्म हो गया, आप आपका पोल्यूशन आके बनवा दीजिए। और एडवेंचर, तो आज एडवेंचर का फिर बाइक लेते हैं और पोल्यूशन बनवाते हैं। एडवेंचर को भी सर्विसिंग अब मांग रहा है एडवेंचर भी अपना, क्योंकि एडवेंचर का भी हालत थोड़ा मोड़ा ख़राब हो चुका है, उसको सर्विसिंग देना ज़रूरी हो गया। तो चलते एक सर्विसिंग कराने के लिए, उसके बाद एक छोटा सा राइड लिया जाएगा एडवेंचर का। और बाइक लेना बहुत ज़रूरी है एडवेंचर के बारे में कुछ पता लगाने के लिए। कि आप लोग कैमरा क्वालिटी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एडवेंचर का भी हालत ख़राब हो चुका है। तो चलते हैं पहले उसका पोल्यूशन बनाते हैं। तो भाई आप लोग उसके पहले वीडियो में सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया रखे थे, उसी तरह आपको सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सपोर्ट। और आई होप कि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्जॉय आता होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन यार। जब तक आप लोग सब्सक्राइब करना से नहीं करोगे यार, तब तक मैं ये बात बोलते रहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और बहुत जल्द मेरा लाइसेंस आने वाला है और जिस तरह माइक ठीक हुआ उस पर लाइसेंस भी आ जाएगा बहुत जल्द। और उसके बाद हम लोग एक लॉन्ग राइड मारने वाले हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा लेकिन लॉन्ग राइड होगा। तो आप लोग बस वेट एंड वॉच। तो आप लोग प्लीज़ उसका प्यार करिए कि लॉन्ग ड्राइव के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा। तो लॉन्ग ड्राइव आपको जरूर से करना है और अपनी पूरी फैमिली, मतलब यूट्यूब की सारी फैमिली को मतलब बोलूँगा मैं कि आप लोग सपोर्ट करो। और इधर में भी बहुत सारा लाइक लग चुका है। बस यार क्या बोलूँ मैं, जल्दी से सोल्यूशन बन जाए, उसके बाद देख के छोटा सा राइड भी मार लेंगे हम लोग, क्योंकि सोल्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है बाइक का। प्राइस क्या कैसी लग रही है, मतलब देखते हो यार, मतलब चाहो कि आता ही लगता है यार, आता है मतलब आदमी का दूसरा नाम बाबू भाई। तो आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए मुझे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर लॉन्ग राइड नहीं हो पाएगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर पोल्यूशन बनता है, तो वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से पोल्यूशन बना के उसके बाद एक छोटा राइड मार देते हैं हम लोग। तो छोटा राइड भी मारने में रेडी है मुझे, तो बहुत ही डेट मिला है नेक्स्ट बनाने का 27/1/2023। तो ये गाइस 27/1/2023 को पोल्यूशन ख़त्म हो रहा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और आई होप कि इसका छुट्टी हो जाएगा डेट का, क्योंकि तो
एडवेंचर को भी टाइम के देख चुका हूँ मैं, और मैं यार मतलब इसको सर्विसिंग कराया बहुत ही मुझे कम से कम मिली, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 8 से 9 महीना हो चुका है उसकी सर्विसिंग कराए, लेकिन आज भी एडवेंचर का वही काम है जो न्यू में था। और मुझे बस इतना फ़र्क इसमें लगता है क्योंकि इसका मीटर का तार खराब हो चुका है और थोड़ा सा बीच में बस प्रॉब्लम लगता है उसकी सुबह से, बाकी सब एडवेंचर का जो था बस वही एडवेंचर था, अभी भी वही चीज़ है। और आई होप कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोगों को वीडियो का पूरा इन्जॉय मिले यार, मतलब आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं इतना लंबा राइड तो नहीं मारूंगा और इतना लंबा तो वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जल्दी ट्राई करूंगा कि जल्दी से शॉर्ट में वीडियो को खत्म किया जाए, तो शॉर्ट में वीडियो को खत्म करने का बहुत ट्राई करूंगा। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आवाज़ बढ़िया से मिल रहा होगा, क्योंकि मैं वो वाला वीडियो जब अपलोड किया था मेरे घर वाला, तो उस समय तक में मेरा माइक का आवाज़ ठीक था लेकिन बहुत स्लो था, उसके चक्कर में थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे अभी बहुत कष्ट बोलना पड़ रहा है। मैं कष्ट में बोल रहा हूँ, बहुत जोर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे से आदमी लोग देख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यार मत पूछो, एडवेंचर में वही पावर है जो कल का एडवेंचर में था। अब मुझे नहीं लगता है कि अभी का जो जितना भी एडवेंचर 220 का जितना भी पावर का आएगा इसका जैसा पिकअप में वो रहेगा, क्योंकि और मैंने एक दोस्त का मेरा 160 चलाया था या 150 चलाया था, उसका दम नहीं लगा यार, उसका उतना पावर नहीं है उसका, मतलब उसका जो पावर है उसका पावर उसके बीच में कुछ नहीं है। अभी तो मेरे पिकल के अंदर नहीं है, अभी छुट्टी हुआ नहीं है, तो इंतज़ार करते हैं उसके बाद उसको छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे राइड पे, क्योंकि अकेले राइड पर जाने का मज़ा नहीं आता है, अकेले मैं चाहते हैं कि राइड पर बस एक ही बार जाएँ और ये लद्दाख ले लद्दाख, मतलब आज मैं समझ ही सकते हैं सबके साथ बाइकर का गेम होता है ले लद्दाख, और बहुत जल्द मतलब हम लोग का फैमिली जिस का फैमिली कुछ बड़ा हो जाएगा तो ज़रूर ले लद्दाख मैं आपको लेके चलूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल बिजली हुए तो स्टॉप करते हैं, उसके बाद में जब वो आ जाएगा उसके बाद वीडियो की चालू हो जाएगा, तो मिलते हैं। तो यार 1 घंटा बाद अभी राइड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लोकेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने लास्ट में फिर फ़ोन किया सन्नी को और बोला कि जल्दी बाहर आ, तो सन्नी फोन ही नहीं उठा रहा है, तो बोल चुका कि जल्दी बाहर आ, तो फिर लास्ट में मुझे कॉल करना पड़ा टाला को, टाला को बोला भाई तू बाहर आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो टाला लिया, टाला फोन रिसीव किया, बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं 2 मिनट में, तो फिर वो बाहर आया, तो अभी उसको टाला को कुछ घर में काम आ गया है तो इसलिए वो घर चला गया, और मैं अभी सन्नी को लेके जा रहा हूँ राइड पे। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा इन्जॉय करिएगा, और मुझे लगता है कि आज भी थोड़ा सिनेमेटिक आपको शॉर्ट दिखने मिलेगा मेरा वीडियो में, तो ज़रूर यार मतलब थोड़ा सा इंतज़ार का फल मीठा होता है यार, ये लोग 1 घंटा मुझे इंतज़ार कराया, मैं 11 बजे से लेके 12 बज रहा, अभी 12:01 हो रहा है, नहीं विश्वास होगा तो मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट, ये देखिए 12 बज रहा है यार, मतलब 12:01 हो रहा है, इन लोगों का चक्कर में बहुत आज लेट हुआ, बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। तो आप लोग आई होप की वीडियो पूरा इन्जॉय करेगा, बोल सन्नी इन्जॉय होगा कि नहीं, एकदम चलो तब देखते हैं इन्जॉय होता है, तो गाइस आपको वीडियो में बस लाइसेंस आ जाएगा,
तो लाइटिंग जगह है उसके बाद तो मतलब नदी पीछे क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि लाइसेंस का इंतजार था मुझे। एक बार लाइसेंस आ जाए उसके बाद लॉन्ग राइड स्टार्ट होगा। और बहुत ये गाड़ी तो मेरे नाम पे नहीं, ये गाड़ी मेरे पापा के नाम पे है, तो मैं ट्राई करूँगा कि गाड़ी अपने नाम पे करवा लेना, क्योंकि बार बार वो एड्रेस लेकर और उसका झगड़ा नहीं रहेगा, मतलब ब्लू बुक लेकर चलने का उसका ब्लू बुक रहेगा, मतलब पब्लिक तो यार समझती है लेकिन पुलिस को नहीं समझेगा। ब्लू बुक उसके नाम पे है, पापा का नाम पे है, ब्लू बुक नहीं है अपना नाम पे ट्रांसफर करा लेते हो। ये सब झमेला रखने से बढ़िया है कि अपना नाम पे गाड़ी डायरेक्ट ट्रांसफर करा लो और झमेला रहेगा नहीं। बस यही सब कुछ प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और यूट्यूब का काम भी बहुत बड़ा हो जाए, तो बहुत जल्दी लॉन्ग लॉन्ग लाइफ काम में स्टार्ट कर दूँगा। और मुझे भी मन करता है यार लॉन्ग लाइफ मानने का, क्योंकि मुझे बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ और उन्हें का वीडियो देखता हूँ, तो मुझे समझ तो बहुत कुछ आता है, लेकिन क्या बोले प्रॉब्लम है लाइसेंस को लेकर और गाड़ी का एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर ब्लू बुक को लेकर। बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी ओके है, सोल्यूशन भी ओके है, गाड़ी का पेपर भी ओके है, सब कुछ ओके है। और यहाँ पे ये ब्रिज का काम चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत दिन से ये ब्रिज का काम चल रहा है, अभी तक रुका हुआ है पेंडिंग में, तब तक ये ब्रिज रेडी होगा तो फिर इसका भी इंजॉय लिया जाए हम लोग, लेकिन ये इंजॉय लेने के लिए ये एस पी डी प्लांट के अंदर जाने के लिए, बगल में मेरा राइट साइड में एस पी डी प्लांट है जो कि एक बहुत बड़ा प्लांट है। तो आज हम लोग जा रहे हैं दामोदर का रिवर साइड में, आज हम लोग जा रहे हैं दामोदर का मेन रिवर, जहाँ पर छठ पूजा में मकी कुछ इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि ज़्यादा नहीं होता है, उतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर। मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये हुआ ना कि एडवेंचर बोल रहा है कि मुझे थोड़ा टानो, और मैं नहीं जान रहा हूँ कि एडवेंचर को टानो, मुझे थोड़ा उसका पावर लेवल अलग था, इसमें बोल रहा है बढ़ कर के बोल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा कैमरा एंगल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मुझे बार बार गर्दन उठाना पड़ रहा है, तो पहले कैमरा एंगल चेक कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मिलता है। फिलहाल एंगल चेक कर दिया हूँ, ये ब्रिज पहले तो था नहीं, पर अब ये ब्रिज बन चुका है, अब फिलहाल वही में आफत ब्रिज है, आफत ब्रिज लग रहा है, मतलब बहुत मतलब कैसा लग रहा है ब्रिज, कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब पूरा अगल बगल में ब्रिज बन के पूरा रोड चौड़ा हो गया यार, मतलब मछली पूछे इतना खूबसूरत लग रहा है। और पहले तो सर मिट्टी को बढ़ा दिया, पहले तो अच्छा भी कर दिया, और क्या बोली आते वक्त आपको थोड़ा सा प्लांट का भी शेयर करा दूंगा दूर से, सामने दिखाने का पावर है नहीं, मतलब परमिशन है नहीं, तो दूर से ही मज़ा ले लिया जाएगा यार। यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं था क्या हो जाता सर, नहीं यहाँ का रोड थोड़ा सा बनाना चाहिए, यहाँ का इधर का रोड थोड़ा, हाँ ब्रिज मोटा कर दिया, इधर का रोड हल्का बना दिया। यहाँ पे आपका देख सकते हो बोट लाइन का काम चल रहा है, पहले सिंगल लाइन था, फिर डबल लाइन हुआ, फिर थ्री लाइन हुआ, फिर अभी फोर लाइन का काम चालू हो गया है, और बहुत जल्द से यहाँ से भी जन शताब्दी क्रॉस होगी, और यहाँ से क्रॉस हो गया डायरेक्ट टाटा, इस साइड से रूट बन रहा है। और यार मतलब पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा, मतलब दामोदर में भी अब ट्रेन रुकेगी, दामोदर नदी दामोदर रेलवे स्टेशन में भी ट्रेन रुकेगी, और क्या बोलूँ। तो अभी हम लोग राइट पे मतलब निकल चुके थे, ये रहा आपका काशीनाथ लहरी पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत ही बड़ा स्कूल है, और अभी फिलहाल स्कूल पर छुट्टी का टाइमिंग हुआ, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही सारा नज़र आ रहा है यार, सच में बहुत ही अच्छा स्कूल है, और लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, और लेकिन सच में बहुत अच्छा स्कूल है, इसका रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, इसका पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और मुझे लगता है कि सन्नी को इस स्कूल से ज़रूरत था, लेकिन सन्नी ने बस बाजा स्कूल चुना है। क्यों सन्नी कैसा लगा बंद बाजा स्कूल, बहुत ज़्यादा फील होता है, अरे यार एक आदमी इतना सामान, मतलब ट्रेन का पटरी निकले यार, पाँच आदमी नीचे उठा दिए, सॉरी यार मतलब तीन आदमी ट्रेन का पटरी नीचे उठा दिए यार, मतलब सच में जिगर है यार, इतना काम चल रहा मजा के। तो आई होप कि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, थोड़ा सा एडवेंचर बताना चाह रहा, और ये
बताइए पहले साउंड कैसा आ रहा है और मेरा वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल फोन से बात कर रहा था और बिल्कुल से बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है माइक का और एयर का हवा एयर जो मार रहा डायरेक्ट माइक पे और माइक से इसलिए मेरा आवाज़ तक क्या करके मैं जोर से बोलने का ट्राई कर रहा हूँ और पार्किंग को छोड़ी दो आदमी को जगह नहीं मिलता। अगर रात को 12 बजे अगर आदमी यहाँ से अगर जगह नहीं लेता है तो उसको जगह मिलेगा ही नहीं। इतना बड़ा नदी में आपको जगह ना मिले छत्ती जगह का है ये बहुत बड़ा बात होता है। तो आप लोग ये समझो कि आज आपको कौन कौन सा फिल्म देखने मिलेगा और आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो आई होप कि आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने ना मिले, क्योंकि अब थोड़ा आवाज़ जब बढ़िया हो रहा है तो क्वालिटी भी बढ़िया करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो जल्दी से YouTube का फैमिली बड़ा हो जाए तो मैं भी GoPro ले लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास GoPro नहीं है, मेरे पास दूसरा कोई कैमरा है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ख़राब लगता है मुझे। तो यार तगड़ा लगता है यार, तो नाम का भी फिलहाल नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा कैमरा है। और अभी तो हम लोग फिलहाल दमोदर में एंट्री कर चुके हैं, तो चलते हैं और आपको सीन दिखाते हैं और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाते हैं आपको। ठीक है भाई, तो आई होप कि वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा पूरा। अगर आप इन वीडियो को पानी बहुत कम है करिए तो आप लोग वीडियो को पूरा इंजॉय करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेस्ट कर रहे हैं लाइक। तो अभी तो फिलहाल हम लोग दमोदर रिवर में आ चुके हैं, मतलब दमोदर रिवर के पास आ चुके हैं और किधर चलो, इधर से या इधर से, इधर से इधर। तो यार मतलब ये सब जाने के लिए और आदमी यहाँ नहाने भी आते हैं, कुछ आदमी यहाँ मतलब मजी जैसे यार मतलब थोड़ा मोड़ा ख़राब लगता है किसी लड़के के चक्कर में, बाकी सारे लड़के बदनाम हो जाते हैं क्योंकि वो लोग आते हैं अपना यहाँ पर इंजॉय करने का चक्कर में डूब जाते हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहाना नहीं चाहिए, नहाओ तो थोड़ा सेफ्टी के साथ नहाओ। तो यार ये लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब मजाक में ले लेते हैं इस दमोदर नदी को। तो दमोदर नदी ऐसा नदी नहीं है, ये साथ में ले जाने लायक नदी है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ऑसम प्लेस है और कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा इंजॉय लो और मुझे आप लोग दोबारा सिनेमैटिक शॉट में, तो आप लोग आई होप कि पूरा वीडियो इंजॉय कर रहे हो। चलो मिलते हैं। ज़्यादा मज़ा आया होगा, तो आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन। और आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो हैशटैग प्लीज़ कमेंट में ओ भी लिख देना। चलो बाय, टाटा, मस्त रहो, खाते पीते रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो।